तन्नो भवान वै भगवत प्रदारो महत्तम एकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतान्नो वितनोतु विद्वन्। तन्नो भवान वै नाम मने अस्माकं प्रति मध्य नह भवान मने भगवान प्रधानम सेव्यो यस्य हम सबके द्वारा भगवान ही है प्रधान रूपेण सेव्य भगवत प्रदानो भगवान ही है प्रधान रूपेण सेव्य जिनका ऐसा जो स भवान भगवान का विशेषण है भगवत प्रदान। भगवत प्रदान विशेषण जो है वो भगवान का विशेषण है ऐसे आप है। महत्तम एकांत परायणस्य महत्तम एकांत परायणस्य हरे उदारम चरितम विशुद्धम शुश्रूषताम नो वितनोतु विद्वन। कहते हैं कि महत्तम पुरुषों के द्वारा अव्यभिचारी रूपेण जो है अव्यभिचरित रूपेण उनके लिए परायण है परम अयन है ऐसा जो हरि महत्तम जो परम भक्त लोग हैं उन लोगों का अव्यभिचारी परायण रूपा हरि का जो उदार और अत्यंत विशुद्ध जो चरित्र है उसको सुनने की इच्छुक हम सब हैं। इसलिए आप क्या करें नो वितनोत विद्वन हे विद्वन आप जो है इसलिए आप इसलिए जो है हमें विस्तार रूपेण उसी को सुनाइए। हाँ सूची के लिए करें शौनक आदि सवई महाभागवत परीक्षित ये नाप वर्गाख्य मद प्रबुद्धि ज्ञाने न वैयासिक शक्ति तेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। अच्छा कहते हैं सवई महाभागवत परीक्षित वह जो महान भगवान के परम भक्त जो परीक्षित है ये न अपवर्गाख्यम अदभ्र बुद्धि वो अदभ्र बुद्धि परीक्षित का विशेषण है अनल्प बुद्धि वाला तीक्ष्ण बुद्धि वाला अदभ्र बुद्धि अदभ्रम बुद्धि यस्य वह परीक्षित ये न ज्ञाने न वैयासिकी शब्द व्यास का पुत्र सुखदेव के द्वारा प्रकाशित ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा वह अपवर्गाख्यम खगेंद्र ध्वज पाद मूलम भेजे खगेंद्र ही है ध्वज जिसका ऐसे भगवान श्री चरण के अर्थात भगवान विष्णु के चरण रूपी जो मोक्ष है उसको उसने पा लिया। तन्न परम पुण्यम संवृतार्थम आख्यान मत्यद्भुत योग निष्ठम आख्या ही अनंताचरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम आख्यानम अत्यद्भुत योग निष्ठम पारीक्षितम उपाख्यानम भागवतम भागवताभिरामम अनंताचरितोपपन्नम चरित्रम आख्या। वह जो परम पुण्य और असंवृतार्थ जिसमें कोई तत्व छिपा हुआ नहीं खुलकर साफ साफ बताई गई है अत्यद्भुत योगों की निष्ठा स्थान है ऐसा जो आख्यान है जो परीक्षित को सुनाया गया इसलिए परीक्षित आख्यान अनंत के द्वारा परमात्मा आचरित होने से वो अत्यंत उपपन्न युक्त है उसको श्रवण करना अवश्य लाभकारी है। भागवताभिरामम भगवान भगवान के भक्तों के द्वारा अभिरमण करने योग्य ऐसी जो कथा आख्यान है उसको आप आख्या ही अब हम लोगों के लिए सुनाइए। तो सूत महाराज कहते हैं शौनकादि उनको सूत उवाच अहो वयम जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्या विलोम जाथा दौष्कुल्य माधिम विधुनोति शीघ्र महत्तमा नाम विधान योग। अहो वयम जन्म भृतोद्यहास्म कहते हैं कि भाई आज जो है अत्यंत आश्चर्य के साथ प्रकट कर रहे अहो श्री भागवत व्याख्यान में लब्ध प्रसंग वाला होकर के
महताम आदर पात्र आत्मनम श्लाघते द्वाभ्याम। आप छोनकादि महर्षि श्रेष्ठ कुलों में जन्मे हुए लोगों के द्वारा जो आदर पूर्वक के कहा जा रहा है, आप हमें भगवान की कथा सुनाइए, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। अपने आप की प्रशंसा एक तरह से यहाँ किया जा रहा हो, इत्याश्चर्य इति हर्ष अहो अस्मि वयम इति बहुवचनम श्लाघाया, इसलिए श्लाघा के लिए वयम जन्म भृत प्रतिलोम चाप्य अद्य जन्म भृत सफल जन्मान आस्म जाता। यहां से लगता है साफ देखो प्रतिलोमजा विलोमजा, हाँ वर्ण संकर थे ये प्रतिलोमज। कई लोग इसको मानते नहीं, हमने भी शुरू में अर्थ बताया था ना, इसलिए सूत शब्दकार जो है जिस यज्ञ में जो दीक्षित है अभिषव सोम रसादि का सवन होता है, जिसमें ऐसे यज्ञ में दीक्षित को सूतक करके भी प्रयोग होता है, अधिकतर लोग वैसे ही लेते हैं और इसका भी अर्थ बदल लेंगे। इसलिए विगतो लोमजत्वम यस्य, वे विलोमज नहीं है, विगतम लोमजत्वम यस्य, भले ही शरीर पैदा भी हुआ होगा लेकिन ब्रह्म ज्ञान के कारण से उनके जो है विलोमजत्व हट गया। जो विगतम इसलिए अर्थ कर विगतम लोमजत्वम अस्य इति विलोमजाः, विलोमज ऐसा अर्थ भी किया है विलोमजाता। अपि वयम इसमें क्या जन्म भृतो कृतार्थास्मि, ऐसा अपने आप को मान रहे हैं कि मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। वृद्धानाम अनुवृत्त्या वृद्धानुवृत्त्यापि, वृद्धों का अनुसरण करके भी अनुवृत्ति मैंने आदरेण ज्ञान वृद्ध सुख तस सेवया इति वा, अथवा वृद्ध कौन है ज्ञान वृद्ध सुखदेव महाराज, उनकी अनुवृत्ति मैंने उनकी सेवा के कारण से आज मेरी योग्यता आई हुई है। दौष्कुल्य माधिम विधुनोति शीघ्रम यतः दुष्कुलत्वं तन्निमित्तं आधिंच मनःपीडां महत्तमानां अभिधान योगो लौकिकोपि संभाषण लक्षण संबंधो विधुनोति अपनयत इत्यर्थः। महत्तमानां अभिधान योग के महापुरुषों के वाणी का संबंध हो जाए, श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण भी हो जाए, महत्तमानाम अभिधान योग वो जो है संबंध श्रवण इंद्रिय के द्वारा जो भगवत कथा हृदय में जो पहुंच जाए तो दौष्कुल्यम आधिम च शीघ्र विधुनोती, जो दुष्कुलता में जो पैदा हुआ दुष्कुल में जो पैदा हुआ है तो उस दोष को और उस कारण से जो मन में विद्यमान जो आधि है वो सारे चीज को शीघ्र ही अवश्य ही वह श्रवण जो है ना नष्ट कर देता है। कुत पुनर गृणतो नाम तस्य महत्तम एकांत परायणस्य यो अनंत शक्तिर भगवान आनंदो महत गुणत्वाद्यम अनंतमाहुः। महत गुणत्वाद्यम अनंतमाहुः, कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, केवल उसके नाम को बड़े महापुरुष लोग उच्चारण करें और उसके श्रवण मात्र से जब आदि व्याधि दुष्कुलता सर्वदोष निवृत्त हो जाता है तो जो व्यक्ति अपने मुंह से ही भगवान का नाम ले लेता है फिर तो कहना ही क्या है, कहते कि नहीं है। कुतः तस्य नाम पुनर्गृणतो महत्तम एकांत पर कस्य, उसका विशेषण तस्य महत्तम एकांत परायणस्य, भक्तों का अव्यभिचारी आश्रय तत्रूप व परमात्मा यो अनंत शक्ति भगवान अनंत महद्गुणवाद यम अनंत विधि आहो तस्य, यो यम आगे ना यो और यम आया उसी को आप तस्य से पूर्व में जोड़ देना है, जो कैसा है अनंत शक्ति वाला है। अनंताः शक्तयः यस्मिन् इति अनंत शक्ति, अतएव भगवान अनंत है, इसलिए भगवान कैसे हैं, भगवान भी अनंत है, अंत वाला नहीं है, नित्य है, ऐसा अर्थ ले लो। अनंत शक्ति सतो अपि अनंत किंच इतनी महत्सु गुणा यस्य महत्गुण महत्सु गुणा यस्य, महापुरुष लोगे उनमें भी है गुण जिसका, ऐसा जो महत्गुण तस्य भाव तस्माद
तादृश कारण से मत गुणत्वादेव उस परमात्मा यम गुणतोपि अनंत मिथ्याहो, गुणों के कारण से उसको अनंत नाम से कह दिया। शक्तियां भी अनंत है इसलिए उसका नाम अनंत है, गुण भी अनंत है इसलिए उसका नाम अनंत है। ऐसे परमात्मा का नाम जो लेता है उसका तो कहना ही क्या है कि निश्चित रूप में उसका कल्याण होगा ही। एतावतालं नु सूचिते ननु सूचितेन गुणैरसाम्यान्नतिशायनस्य हित्तेतरां प्रार्थयतो विभूतिर् यस्यांघ्रिरेणुं जुषतेन भीप्सः। एतावतालं नु ननु सूचितेन, कहते हैं ये इसी को समझा रहे हैं उसी को विस्तार रूपेण कि भगवान या नाम भी उन्हीं चरितार्थ हो सकता है, इसकी ओर ले जाना चाहते हैं। भगवान ये जो शब्द है, इस शब्द का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ सारे प्रकार के अर्थ उसी एकमात्र तत्व में ही यथार्थ हो सकता है, अन्य किसी भी वस्तु में इसको नहीं घटा सकते। इसे कहते एतावता आलम, तस्य यत उस परमात्मा का जो कैसा है असाम्य अनतिशायनस्य, जिसके बराबर कोई नहीं, जिससे बढ़कर कोई नहीं। तस्य यत असाम्यम और अनितिशयाशायनंच गुण ही, गुणों के द्वारा उस भगवान के सदृश भी कोई नहीं, उसे बढ़कर तो सवाल नहीं उठता। ऐसा अन्य से नास्ति इतने से अर्थ से ज्ञानम, ये जो ज्ञान है एतावता सूचितेन, उसी ज्ञान को इतनी बातों से हम समझाने आनंद शब्द के द्वारा समझाने कोशिश कर रहे हैं। अलम पर्याप्त कस्त वक्तम शक्नोती, कि कौन उसका विस्तार पर समझा सकता, इसलिए सब भूमिका बांध रहे हैं। आपने तो उस परमात्मा का वर्णन करने के लिए बोल रहे हो जिसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते। वो अनंत है, उसे गुण अनंत, शक्ति अनंत, सब रूपेण अनंत है वो, उसे क्या हम वर्णन करेंगे। फिर भी आकाश पतित्री न्याय के आधार पर आपके निवेदन के कारण से अपनी बुद्धि की क्षमता अनुसार यथाशक्ति मैं बोलूंगा, ये कहना चाहते हैं सूत जी महाराज। इसी उसे जान करके सब भूमिका बांधी जा रही है। एतावतालन सूचित तेना, इतना ही पर्याप्त है, हमने संकेत कर दिया आपको, और आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुणों के आधार पर हो, रूपों के आधार पर हो, शक्ति के आधार पर हो, नाम के आधार पर लो, किसी भी रूप से लो, अनंत है, उसके समान या उसे अधिक कोई है नहीं। हित्वा इतरान प्रार्थे तो विभूति ही, सकल प्रकार का ऐश्वर्य, इतरान मैंने ब्रह्मादिन प्रार्थे मानान हित्वा, इसलिए ब्रह्मादि सकल जो प्रार्थना कर रहे थे उन सबको त्याग कर, जो विभूति रूपा सर्वैश्वर्य रूपा जो लक्ष्मी थी वो क्या की, समुद्र मंथन से हम निकली, सब चाहते थे ये लक्ष्मी हमारी हो जाए, लेकिन सबको त्याग करके यह संग्र रेणुम अनविप सोपी जुशत्य यस्य अनविप्सो, विष्णु तो चाहते रहते मेरे को जयमाला डाले और मेरे को स्वीकार करे, इस लाइन में सबसे अंत में खड़े हुए थे वो, जो अपने अपने महान मान रहे थे मेरे को मिले, मेरे को सबसे लाइन में आगे जाते ना, हमको पहले मिले, वो सब पहले में लाइन में लगे थे, ब्रह्मा इंद्र वगैरह सब लगे थे। और जब देखा लाइन आप कोई भेड़ नहीं है, खाली जगह जहां था अंत में वहां चुपचाप खड़े है, उधर देख भी नहीं रहे वो आ रही है नहीं आ रही, किसको डाल रही कि नहीं डाल रही, ठीक है सब देवता लोग खड़े हैं, स्वतंत्र मंत्र ने भी हिस्सेदार तो थे ही, स्वयं तो मुख्य काम किए हैं, इसलिए भी लाइन में अंत में खड़े हो गए, तो उन्हें अपेक्षा ही नहीं थी। अनविप सो अपीय अंग्रेण विभूति जुषत है, ऐसे के चरण कमल के रज की सेवन करने की लक्ष्मी तत्पर हुई। उस परमात्मा जो समस्त ऐश्वर्य रूपा जो लक्ष्मी है वो भी जिसके चरणों का सेवा कर रही है, ऐसे की क्या हम कथन करेंगे हैं? अथापि यत्पाद नखाव श्रेष्ठम जगद विरिंचोपहृतारणाम्ब शेषम पुनात्यन्न तमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। इतना ही एक और बात सुनिए, जिनके चरणों का ऊपर से नाखून के माध्यम से निकल करके आया हुआ ब्रह्मा जी ने कमंडल में पकड़ लिया उसकी पसीना को, पसीना था, और उसको फिर शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया,
और ऐसा त्रिलोक पावनी माता गंगा है, वह जिसके पसीने के रूप में प्रकट और निकली भी इतनी महान हो सकती है, तो वो खुद क्या होंगे, उनका क्या वर्णन किया जा सकता है। जिनके पसीने की इतनी महिमा जो तीनों लोगों को पवित्र कर रही है और अनंत जनता लाखों करोड़ों की संख्या में यहां पर कुंभ मेला आदियों में अनेक अवसरों में आते स्नान करते हैं और समझते हम पवित्र हो जा रहे हैं, जिसकी पसीने की इतनी महिमा है वो खुद कितने महान होगा, इसे क्या वर्णन हम कर सकते हैं। यत् पाद नखाव श्रष्टम विरिंचोपहृत अहरणाम्ब पूज्य जो जल है, समय विरंचीन विरंचेन विरिंचेन उपहृतम समर्पितम अहरणाम्बो अर्घोदकम ईश सहितम जगत पुनाति, ईश सहित उसके सहित सबको पवित्र कर, पूरे जगत को पवित्र कर दिया है। शेषम इत्यर्थ ईश, ईश का कौन है, शिव जी के सहित, शिव जी ने अपने जटा पर धारण कर लिया, ऐसे ईश्वर एक तो शिव को भी पवित्र करने के जैसे हो गया। तो और भी उपासक उत्तम कहने उनके द्वारा भी जिसका उपासना की जाए, जिसका चिंतन किया जिस स्वरूप का, क्योंकि सभी जो जो भी उपाधि वाला है, चाहे शिव है चाहे ब्रह्मा चाहे विष्णु है, तो उपाधि मान को लेना, शिव से निर्गुण शिव को नहीं लेना है, कि उपाधिमान जो है उनके द्वारा भी क्या है, नित्य चिंतनीय है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, इसे कहते हैं तयोर भी उपास तस्माद मुकुंद व्यतिरिक्त तादृश मुकुंद से अतिरिक्त को नाम लोके भगवत पदार्थ, भगवान इस पद का अर्थ इनके अलावा और कौन हो सकता है, कोई दूसरा तत्व तो हो नहीं सकता, ये कह दिया। नहीं नहीं वामन अवतार से कोई लेन देन नहीं, वामन अवतार में तो उसने पैर धोया था, वहां ब्रह्मा जी थोड़ी पैर धोने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने थोड़ी पैर धोया, वो कमंडोले में धारण किए थे, वो ब्रह्मा का ब्रह्मांड का कह फूट गया भगवान के चरण पर गया, तो भगवान ने एक कमंडोला, ना ना ऐसा कुछ नहीं आया वहां प्रसंग में, बलि के प्रसंग में तो बात है ही नहीं कही वामन अवतार में, ये तो जब जब उसमें स्नान ना क्या उसको बोलते गंगा जी का अवतरण के प्रसंग में आता है, तो वो केवल जब शिवजी नृत्य करते हैं तांडव नृत्य, और दृष्टा कौन है, स्वयं विष्णु, सब इकट्ठे होते हैं, तो नारद जी बड़ा तैयारी करते हैं ना उस चीज के लिए, बहुत बड़ा कहानी हो तो शिवपुराण विस्तार पिणा यहाँ तो बहुत संक्षेप में बोला। अच्छा यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु संघमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्य मन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशमस्वधर्मः। यत्रानुरक्ता धीरा, जिनके चरणों में अनुराग हो गया हो ऐसा जो धीर पुरुष हैं, वे लोग देहादिषु संघम संघमूढं व्यपोय संघम ऊढ़ मने धृतम, धीर लोग क्या करते हैं, देहादि में जो संघ को उन्होंने धारण किए हुए थे उसको व्यपोय त्याग देते हैं, और पारमहंस्यम अंतिम आश्रमम रजन्ति, उस परमात्मा का अनुभूति करने के लिए जो अंत्य आश्रम है सन्यास आश्रम को पारव्रज्य आश्रम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह कैसा तत्व है, यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः, जिसमें अहिंसा उपशमश्च स्वाभाविक धर्म, जिस सन्यास आश्रम में अहिंसा और उपशम ही स्वाभाविक धर्म है, ऐसे सन्यास आश्रम को भी स्वीकार करते हैं उस परमात्मा का अनुभव करने के लिए। बताओ उसका वर्णन मैं क्या कर सकता हूं, अहम पृष्ठर्यमण भवद्भेर आचक्ष आतावगमोत्रयावान नभ पतंत्यात्त समम पतत्रिण तथा समिष्ट गति विपश्चित अहम पृष्ठ अर्यमणो भवद्भिः, लेकिन भो अर्यमण संबोधन है, हे सूर्या दे रूपेण त्रिभूताः त्रिमूर्तयः, हे सूर्यास त्रिमूर्तयः भवद्भिः अहम ही आत्तावगमो यावान तावान अत्र आचक्षे, आपके द्वारा पृष्ठ मेरे को पूछा गया है, भवद्भिः अहम पृष्ठ
लेकिन मैं तो क्या करूं, जितना मेरी दिमाग में आता बुद्धि जा सकती जात उसके वर्णन करने के लिए। अत्र मैंने उस परमात्मा के विषय में यावन आत्मवगम, जहां तक मेरी बुद्धि की पहुंच होगी तावान एव हम आचक्षे, उतनी में कह पाऊंगा। फिर तो महाराज अधूरा हो जाएगा, महान दोष लगेगा। कहते नहीं नहीं, नभ पतंती आत्मसमम पतत्रिणो यथा, जिस प्रकार से पक्षियां पूरे आकाश को आर पार नहीं कर पाती हैं, इन अपनी क्षमता के अनुरूप उड़ती हैं, तो कोई दोष नहीं होता, बल्कि उसके आप प्रशंसा ही करते हैं। देखो वो पक्षी इतनी उड़ गई, वो पक्षी उतना उड़ गया, ओहो कितना अच्छा। वो जितने उड़ पाएंगे उसी की उतनी प्रशंसा होती है, उसी हिसाब से वो गलत नहीं माना गया, वह दोषाय न भवति। तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित, इसी प्रकार से विद्वान लोग जो है अपने बुद्धि की क्षमता के अनुरूप भगवान के वर्णन करते हैं, भगवान का वर्णन किया करते हैं, उसी प्रकार मैं भी करूंगा, ऐसे कह करके अब आरंभ करते हैं। ये सुखदेव महाराज परीक्षित को क्यों सुनाए, वो कारण की ओर ले जाते। एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम वने, मृगान अनुगत श्रांत क्षुदित त्रिशितो भृशम। एक बार राजा परीक्षित धनुष को लेकर शिकार खेलते 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 जंगल में विचरता हुआ मृगान अनुगत, मृगों का पीछे पीछे अकेला ही भागना पड़ गया उसको, बाकी सब पीछे रह गए जो सहचारी होते हैं, और अकेले भी किसी मृग का पीछे ऐसे भागना पड़ा। ये ना मौत आता है तो खींच के ले जाता है, गीदड़ गांव की ओर भागता है, जैसे कहावत है, मौत आवे तो गीदड़ गांव की ओर भागता है। तो उसी कहानी जैसे इसके बेचारे की जो मौत आनी थी, जहां तक ले जाना था उसने ले गया। अरे इसमें भी बड़ी लीला होती है, इसमें कल्याण रहता है। देखो कल्याण समझना पड़ता है। अब जैसे लोग जो है रावण के ऊपर बड़े नाराज होते हैं, देखो परिस्थिति को उसने उठा के ले गया, हम कहते तो लोग समझते नहीं है। रावण बहुत समझदार था, रावण ने देखा ये राम जो है इतने मेरे माँ है, ये तो जगन माता है जिसकी हम रखवाली करते रहे द्वारपाल बन करके, आज वो जो है मेरे वजह से है जंगलों में भटक रही है। एक स्त्री राजकुमारी बन करके जन्म ली और वो जंगलों में भटके, ये तो ठीक नहीं। ये अयोध्या से चित्रकूट पहुंचते पहुंचते उसने सोचा कि और ज्यादा इनका घूमना ठीक नहीं, मुझे अपने माँ की रक्षा करनी चाहिए। उनको इस तरह भटकना, खाना पीना के लिए क्या क्या खाएंगे पियेंगे, इस तरह हम उनको यहाँ ला के रखेंगे अपने यहाँ, ये सोचा उसने। हाँ, और ऐसी जगह ले आके बिठाया, और यदि वो दुष्ट होता क्या उसकी सामर्थ्य नहीं था, उसको छू नहीं सकता था, है कुछ भी कर सकता था, बलात्कार कर सकता था, लेकिन वो कभी उसने स्पर्श तक नहीं किया। पर ले जाते तो उसने जो छुड़ाना चाहते, व्यवहारिक दृष्टिकोण लीला हुई, वहीं तो उसने पकड़ रखा था। अशोक वृक्ष के नीचे जा छोड़ा अशोक वन में, उसके बाद कभी उसने आंख उठा के देखा नहीं। बिजनेस में जाकर कहता था मेरे मुझे राम मानो, वो तो भाई एक परीक्षा है ना, वो एक व्यवहार है, देखना है कि बहाने बनाना पड़ता है ना भाई, कैसे जाके देखेगा कि माँ ठीक है या नहीं, वहाँ सुरक्षित है, सब है, स्वयं को दर्शन करने की इच्छा है तो बहाना बनाता था। अब अपने जो पाप की घड़ा भी तो पूरी करनी है, तभी तो काम पूरा होना है, तो लक्ष्य अलग है उसका, बाहर से कुछ और ही दिखता। लक्ष्य ही था कि ये आराम से बैठे रहे और राम को आने दो, पुरुष है ना वो तोड़ दो, आ सकता है जंगल घूम घूम करके, स्त्री को क्यों भटका रहा बेमतलब वो तो पुरुष है, आने दो उसको थोड़ा घूम फिर करके, बाद में उसे निपटेंगे। लेकिन जो इनको जो है आराम से रहने देना चाहिए, और उनके जो भी कंद फूल जैसे जो चाहती थी सब व्यवस्था
अरे खाए ना पिए उसकी मर्जी, लेकिन सुख पूर्वक तो रही वहां, आराम से रही 12 साल मजे में रही। अरे रोती रहती थी वो तो अपने अलग बात, उसको रोने का मतलब क्या, आनंद आंसू है वो, दुख के आंसू नहीं थे वो, क्योंकि राम के प्रति समाधि लगाकर बैठी रहती थी वो, राम का स्मरण करता हुआ समाधि में विलग्न होती थी तो उसके आनंद आंसू बहते थे कि हो सकता है कि भाई वहां पर जंगल में भी भगवान राम की इस प्रकार की ऐक्यता नहीं मिल सकती थी, कि वहां तो काम करना पड़ेगा, पानी लाओ, ये लाओ, सब्जी ये करो, वो करो, दुनिया भर धंधा काम करना पड़ता था, तो मन जो है बहिर्मुखता हो सकती थी वहां। यदि जंगल में भगवान राम के साथ होती तो बहिर्मुखता जरूर होती, इतनी एकाग्रता पूर्व ऐक्यता की अनुभूति नहीं कर सकती थी। वो आनंद आंसू है, ये लोग सब उसको उल्टा पलटा सुन सुन करके गलत सोच रखे हैं। इन सारी कथा के रहस्य आप देखें तो कुछ और ही मामला है। अतएव वो जो है रावण के ऊपर कृपा कर रही थी सीता कि जल्दी ही तुम्हारा कल्याण हो, इसे तपस्या को सहयोग देना गृहस्थ का धर्म भी था, वो रावण का धर्म था, एक तपस्विनी को सही ढंग से तपस्या करने की व्यवस्था दिया। अरे प्रताड़ना देना है तो दे, वो तो निमित्त बनना है ना, बिना निमित्त जाके जा, आओ भाई गर्दन काट दो मेरा, ऐसा कोई कहेगा क्या? लेकिन ये निमित्त है वो सब जो है, क्यों अभिशाप अनुसार है ना, व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना, नहीं तो अभिशाप व्यर्थ हो जाएगा। 3 जन्म उनको लेनी है, तीनों जन्म भगवान राम भगवान अवतार लेंगे और मारेंगे, अन्यान्य रूपेण मारना है, तो वो जो वो व्यर्थ ना चाहे उनके अभिशाप आदि, एक लीला मात्र सब होता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि उसकी क्या होगी वो अलग होता है। आध्यात्मिक श्रेय हम लोग हमेशा कहते हैं कथा में दो दृष्टि होती है, जितने पुराण इतिहास रामायण हो महाभारत हो कोई भी चीज हो, एक कथा दृष्टि होती है एक ज्ञान दृष्टि होती है। कथा दृष्टि तो ठीक है वो आम जनता के लिए कह दिया हुआ ऐसा हुआ ये हुआ वो हुआ वो हुआ, लेकिन आध्यात्मिक जो अपनी ज्ञान दृष्टि से विचार करेंगे उसका बिल्कुल ही अलग स्वरूप होता है, वो रहस्य अलग होता है। इसे इन लीलाओं को उसमें घुसाना नहीं, जब ज्ञान दृष्टि से विचार करेंगे तो लीलाओं का प्रवेश नहीं है, लीला से उसे कोई मतलब नहीं कि लीला व्यवहार है मिथ्या मात्र है, उसके लिए स्वप्रवत्त है और स्वप्रवृत्त व्यवहार कर रहा है। जैसे एक ब्रह्मज्ञानी क्या है, बाहर में खा रहा है पी रहा है घूम रहा है, भंडारा भी चला जाएगा प्रवचन भी कर देगा, सब कुछ हो रहा है प्रारंभ कर्मशात, लेकिन अंदर से दृष्टि क्या है उसका, क्या वास्तव में वो प्रवचन दे रहा है, वास्तव में कोई व्यवहार हो रहा है उससे, कुछ नहीं। इसे जब ज्ञान दृष्टि इन कथाओं को देखेंगे तो बात अलग ढंग से लगानी पड़ती है, वहां लीलाओं का सम्मिश्रण नहीं करना, जब कथा दृष्टि से देखेंगे तो लीलाओं के अनुसार व्याख्या करनी पड़ेगी, वहां ज्ञान दृष्टि को प्रवेश नहीं कराना। इसे हर चीजों को इस तरह से लेंगे तो अपने आप फर्क समझ में आता है। इसे यहां पर उसी तरह से कह रही है कि जो गया क्यों, तो उसके कल्याण वहां था, इसलिए हिरण रूपेण कौन आया भगवान जाने, मृग रूपेण और भगवान ही आए होंगे उसको लेके गए वहां पर पहुंचा, वो अकेला क्यों गया नहीं तो, अरे राजा इतना बड़ा दिव्य सम्राट और सारे उनके अनुचर थे, उस समय जो का ऐसी स्थिति बना दिया गया वहां पर, इस पर हिरण के पीछे राम गए, वहां भी ऐसे कहानी आता है हिरण के पीछे राम जी गए, ये सब रावण ने लीला रची ताकि जो सीता जी को ले जाना था सुरक्षित करना था, उन्हें परेशानी ना हो, उनकी साधना तपस्या एकाग्र अनुभूति समाज व्यवस्था सुधार रहे, बहिर्मुखता उनकी निवृत्त किया, उसी तपस्या का फल है लोग कुछ जैसा सब कुछ हुआ। बड़ी सेना नहीं होती है लेकिन टुकड़ी होती है, 7 में 10-20 होते हैं, वो कहीं भी राजा जाए तो अकेला नहीं जाएगा, जब राजा स्वयं गुप्तचर बनेगा तो अकेला घूमेगा, अकेला घूमने का एक ही अवसर होता है राजा का, जो स्वयं गुप्तचर बन जाए, जैसे वेशा बदल बदल करके घोड़ा लेके अपने चल देगा, लेकिन वो जंगल थोड़ी जाए, गुप्तचर जंगल में क्या गुप्तचरी करेगा, वो शहरों के पीछे घूमता है, उसके अलावा कोई ऐसा प्रसंग नहीं जा अकेला होगा, वो तो सब जगह जहां भी जाएगा वहां 10-20 लोग जरूर रहेंगे, साथ सेना रहेगी, लेकिन सब बिखर गए और मृग का पीछा अकेला गया, छिदित त्रिषित भृशम अतएव एकदम थक गया, भूख और प्यास बारंबार से पीड़ित करने लगी और उसी जगह पर पहुंचा आंगिरस महर्षि के आश्रम में, जलाशयम चक्षाण प्रवेश तम आश्रम ददर्श मुनिमासीनम
शांतम मिलित लोचनम जलाशय मचक्षाण, वहां उसको कोई आसपास से जलाशय नहीं दिखाई, जल का स्रोत नहीं दिखाई दिया, न कोई कुआं थी, न तालाब था, न बावड़ी थी, न कोई झरना थी, कुछ भी नहीं। तो पास उसके एक आश्रम दिखाई दिया, वो उस आश्रम में प्रवेश कर गया। वहां एक मुनि बैठे हुए थे, लेकिन समाहिष्ट थे उस समय में, शांतम ही मीरित लोचनम, शांत वृत्ति था, आंखें क्या सारी इंद्रियां उस समय सम्मिलित हो गई थी, प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम ददर्शक सतन भी होगा। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणाजितेन अजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकम तथा भूतम मयाचत। पूरे श्लोक संबंध है, प्रतिरुद्ध इंद्रिय, उसने इंद्रियों को अवरुद्ध कर लिया, प्राण को अवरुद्ध कर लिया है, मन बुद्धि सारे चीजों को अवरुद्धम मन बुद्धिम उपारतंच, इस प्रकार से स्थान त्रयात उपारत मने जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन स्थान त्रय से वो प्राण को प्राप्त कर चुका है, परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम, परम ब्रह्म प्राप्त हर जीव ब्रह्म एक रूप में स्थित है, ब्रह्म भूतम एव अविक्री ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर गया। प्रकीर्ण जटाच्छन्नम, और सारे जटा से बिखरे हुए, हवा चल रही है तो बिखरा हुआ है सारा का सारा, इनका कोई होश नहीं, बाल कहां है, बाल संभालने की जरूरत नहीं। रौरवेण अजिते अजिनेन च, रौरवेण अजिनेन च प्रतिरुद्ध, कहते हैं ऐसा जो रौरव रुरु नामक जो एक मृग विशेष होता है उसके चर्म को पहन के बैठे हुए हैं। विशुष्यताल रुदकम, कहते विशुष्यताल हो, और उनके सारे जो होंठ सूखता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जो होंठ का गीलापन है, ताल रुदकम ने होंठ का गीलापन भी सूख रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। कितनी प्राणा कर इतना समय से बैठे हुए हैं, उन्हें सारे के सारे में जो गीलापन महसूस होता है ना देखने से, ताल रुदकम अपि विशुष्य तथा भूतम, ऐसे मुनि को मुनि से अयाचता याचना किया उसने, जल पिलाओ मैं आयो राजा हूं सम्राट हूं। अलब्ध तृण भूम्यादिर असंप्राप्तार्घसूनुत अवज्ञातमिव आत्मान मन्यमानश्चु कोप, बुद्धि भ्रमित हो गया। अरे हो ही नहीं सकता, परीक्षित प्रथमान देवा विशेष तालु रुदकम द्वितीयांत है, वो द्वितीयांत को कैसे उसका विशेषण बना देगा, दिमाग उल्टा है। तथा भूतम मुनिम, सब मुनि का विशेषण है, मुनिम आसीनम नहीं देख वास ददर्श अयाचत, जलादि कम अयाचत, तालु उदकम अशुष्य मतलब सूख गया था इसका परीक्षित का, वो तो परीक्षित के पहले क्षुधित त्रिषितो भृशम वहां पर पहले आ चुका है, वो सब परीक्षित का विशेषण आ चुका है पहले, क्षुधित त्रिषित परीक्षित ददर्श अयाचत च, तथा भूतम का विशेषण है ना, मैंने इस प्रकार का मुनि को उसने मांगा। शुष्य तालु यश तथा अभूत मुनि मुनिम उदक अयाचत, हाँ मुनिम है ना, मुदिम मुनिम है ना, तथा भूतम मुनिम मुनि का विशेषण हुआ, वो सूख रहा था तालु जिसका, ऐसे जो मुनि उस मुनि से उदक अयाचत, ऐसा ही लेना पड़ेगा, नित्यांतों को एक अन्वय करना ही पड़ेगा। तथा भूतम मुनिम उदकम आया उस प्रकार के, तथा भूतम मुनिम उस प्रकार, हाँ तो ये परिच्छेद अलग करो, विशेषक तालु प्रथमांत अलग करो। समाधि में जब मुनि बैठते तो उनका तालु सूख जाता है, क्यों नहीं, दीर्घ सारे सूख जाएगा, पूरा शरीर सूख जाता है, मान सूख जाता है, ऐसे ऐसे वर्णन नहीं, हड्डी हड्डी केवल रहती है, कुछ नहीं रहता है, कितने ऐसे दृष्टांत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कर लो, विशेषक तालु प्रथमांत कर दो, उदकम अलग पच्छेद कर दो, अलग पच्छेद कर दो तो दिक्कत नहीं, फिर प्रथमांत को अपरिक्षित का विशेषण कर दो, क्योंकि अयाचत के लिए प्रथमांत चाहिए ना, विशेषक तालु प्रथमांत कर दो,
विशेषेण शिष्यत्तालुर यस्य सह पुल्लिंग करो, यस्य सह प्रथमांत करो, परीक्षित सह परीक्षित उदकम तादृशं भूतं मुनिम अयाचत, ऐसा कर दो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक पद मानना है पच्छेद के ऊपर है ना, जुड़ सकता है उसको अलग कर दो, रेफांत पर्यंत अलग कर दो और उदगम द्वितीयांत अलग कर, तथा भूतम मुनिम उदगम याचत, जल की याचना करी, ऐसा करो। लेकिन यहाँ जैसे चर्मना च अच्छन्नम विशेषण असुष्यतालुर्यस्य मुनि की विशेषण, मुनि की विशेषण बना सकते ना, लेकिन उसको प्रथमांत करके अलग पच्छेद करो तो क्या दिक्कत है। तालु यस्य सकर भौरी समास कर देंगे ना, तालु शब्द देते भी नहीं बोल सकेंगे, तालु तालु तालुनी ये बनता है ना, लेकिन तालु यस्य सकर पुलिंग कर दो तो रेफ सु का रेफ हो जाएगा, तालुहु बनेगा, तब ऐसे भौरी समास कर देंगे तो परीक्षित का विशेषण बन जाएगा वो, ऐसा कर दो। फिर तथाभूतम मुनि का तो है ही, तथाभूतम मुनिम अयाचत किम अयाचत उदकम अयाचत, अन्वय हो जाएगा। अलब्ध तृण भूम्यादि असंप्राप्तार्ध सुनृत अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्च कोपः, अलब्ध तृण भूम्यादि उसको उस अलब्धम तृणम, तृणम ने घास नहीं दिया, घास का मतलब क्या क्या है, तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान अपि शतांगे नोच्छिद्यन्ते कदाचन, ये चार चीजें त्रिनानी भूमि ही उदकम वाक चतुर्थी च सुनृता, सुनृता वाक ये चौथी, तृण मने तात्पर्य उसका भोजन रोटी, भूमि मने आसन बैठने को, उदकम मने पानी और मधुर वाणी, सुनृता वाक, ये चार चीज एतानी अपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन, ये चार चीजें सत्पुरुषों का घर में कभी उच्छेद नहीं हो सकता, कितनी बड़ी गारंटी, आप लोगों को भागने की जरूरत नहीं इन चीजों के लिए, आप भागते भेद तो राशन के नंबर लगा देते हो है? ये इन चीजों को कहते आपके घर में आके पहुंचेगा वो, आप बैठो बस, त्रिणानी भूमि रुदकम वाक चतुर्थी च सुनृता, ये सारी के सारी जो सतांगे है कदाचन नोच्छिद्यंत है, कभी भी इनको उच्छेद होता नहीं, इसी भाव से वह परीक्षित मांग रहा है, उसको विश्वास है यहां जरूर होगा, पूरे विश्व में अकाल पड़ जाए जहां संत बैठे होंगे वहां जरूर होगा ही, इसी विश्वास के साथ स्मृति है, ये स्मृति के आधार पर परीक्षित पूछ रहा है। अभूतपूर्व सहसा, लेकिन क्या हुआ उसको, वहां ना रोटी पूछा किसने, जब भूमि आसन दिया बैठने को, असंप्राप्त अर्घ सुनृता, अर्घ से तात्पर्य जल, जल भी नहीं पूछा, सुनृता ने मीठा वाणी बोला भी नहीं, कोई चीज प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उल्टा अपने क्या मान रहा है, अवज्ञातमेव आत्मानं मन्यमानं, अपमानित हुआ अपने आप को मान करके, चुकोपः अत्यंत क्रोध करने लगा, बस विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है, अब कौन पहचानेगा वहां, अब उस समय काम नहीं करता दिमाग कुछ भी। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रभ्याम मर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च, सहसा झटिति, देखो विनाश काल में आ गया ना, झटिति उसके दिमाग में क्या, पेट में सब जगह अभूतपूर्व क्षुत्रभ्याम अर्दितात्मना, क्षुट और त्रित मने भूख और प्यास से पीड़ित अंतकरण वाला होकर के अचानक ही अभूतपूर्व क्रोध उसके अंदर जग गया, ब्राह्मणम प्रति अभूत, हे ब्राह्मण किम अभूत, अभूतपूर्व मत्सरो अभूतपूर्व अभूत, मन्युरेव च अभूतपूर्व अभूत, दो बात आ गया, एक तो मात्सर्य भाव और क्रोध, ये दो चीज जो कभी उसके जीवन में हुआ ही नहीं था वो अचानक हो गया, सहस ही बाबूत। सत ब्रह्म ऋषेरन से गता सुम उरगं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरम आगत
आगत होनी चाहिए, आगत हो गया, आगमत होनी चाहिए या तो ये तो आगत। इसे टिप्पण कर करें आगमत करोगे तो भाई वर्ण बढ़ेगा है, इसलिए आगत पुरम आगत पुर को लौट गया ऐसा। दो नंबर टिप्पण आगत इति पाठ। सत ब्रह्म ऋषि और वह परीक्षित क्रोध आवेश में मात्सर्य भाव से गुण में भी दोष को देखता हुआ ब्रह्म ऋषि रंस है उस ब्रह्म ऋषि का जो है कंधों पर गतासुम उरगम मरा हुआ जो सांप उसको रुषा क्रोध आवेश में विनिर्गचन वहां से जाने जाते जाते धनुष कोटिया धनुष की किनारे से उठा करके रख दिया हाँ, कंधे पर रख दिया और पुरम आगत वहां से अपने स्व नगर को लौट गया। अंश मैंने कंधे के ऊपर माला की जैसे पहना देना अंश कहते कंधा को। एष किम निवृताशेष कर्णो मीलिते क्षण वही मात्सर्य भाव क्रोध से क्या क्या बता दिया रुषा और मात्सर्य भाव से उसने क्या सोचा उस समय में उसके विचार क्या जगी दिमाग में वो बता रहा है। एष किम निवृताशेष कर्णो मीलिते क्षण मृषा समाध आहो स्वित किन्नु क्षत्र बंधु ही दो में कारण है। ये जानता है कि राजा आया हुआ है और जान बुझ कर ढोंग कर रहा है एक हेतु अथवा से कह रहा है। पहला तो अच्छा हेतु सोचा उसे किम निवृता शेष करण मिली थी क्षण मृषा समाधि आहोस्वित क्या वास्तव में निवृत्त अशेष करण वाला होकर ये बैठा हुआ है अथवा आंखें बंद करके झूठी समाधि का नाटक कर रहा है। पहले तो वास्तविकता को लिया हो सकता है वास्तव में समाधिस्थ हो अथवा हो सकता है आंख झूठी बंद करके समाधि का नाटक कर रहा है अथवा ये भी हो सकता है मुझे एक अच्छा क्षत्रिय न मानकर मेरे से बात भी करना नहीं चाहता है मुझे देखना नहीं चाहता है। क्षत्र बंधु भी किन्नु स्यादिति मत्वा अरे क्षत्र बंधुओं से मेरे क्या मतलब है फालतू लोग हैं ये सब दिमाग खाने वाले अनावश्यक आ जाते हैं आश्रम में ये मतलब घुस गया आ गया इधर अतीव जो उपेक्षा कर रहे हैं हमारी तस्य ये इस तरह से उसके बारे में हो गया उसके मात्सर्य भाव का भी वर्णन हो गया। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन बालको और वगैही राज्ञागम प्रापितम तातम श्रुत्वा तत्रेदम अब्रवी तस्य पुत्र अंगिरस महर्षि का जो पुत्र है वो अत्यंत तेजस्वी था और बालकों के साथ अरब कई ही बच्चों के साथ में अपने सह आयु वालों के साथ में समान आयु वालों के साथ वह बालक विहार कर रहा था खेल रहा था। राज्या तातम प्रति प्राप्त अघम श्रुत्वा राजा के द्वारा अपने पिता के को जो पिताजी के साथ किया गया जो पाप है उसको सुन करके अघम तो दुखम ऐसा अर्थ कर दिए हैं दुखम दृष्टवा ज्ञातवा श्रुत्वा तत्र इदम अब्रवीत वो अपने वचनों से इन बातों को कहने लगा। क्या कहा वो बता रहे टीका के अंतिम पंक्ति में दिया अघम है दुखम ऐसे भी दुख क्या दिया है वो खुद ही दुख पा रहा है एक तरह से पाप कमाया है उनको क्या दुख देगा एक अपमान किया एक तरह से लेकिन ब्रह्म ऋषि का अपमान तो था ही इसे कोई संशय नहीं। अहो अधर्म पालाम पीव नाम बलि भुजामिव स्वामिनी अघम यद्दासा नाम द्वारपा नाम शुन्नाम इव अहो अधर्म पालानाम पालक होते हुए राजा होते हुए इनके द्वारा ये जो अधर्म हुआ है ये अनुचित हुआ है। पाला नाम राजाओं का विशेषण क्या कैसे हो चुकी है लगता है खा पी करके मुष्टुंडे हो गया है। पीव नाम भली भुजामी वह भली भुजामी वह स्वामिनी अघम यद दासा नाम और क्या है वो भली भुजाम भी विशेषण उनका काका नामी वह सुनामी वह ऐसे जो कौवे हैं हमारे डालावा खाकर हमें ही हमारे सर पर चोंच मार दे है? हमारे टुकड़ा खाए हमारी खोपड़ी पर आके मारे हमें ही पालावा कुत्ता जो हमारे पालावा कुत्ता हमें ही काट दे वैसे ही है। हम लोगों ने इसको ज्ञान दिया विवेक दिया शिक्षा दी सब कुछ दिया हम ब्राह्मणों ने और उल्टा ये हमारे ही बाप के साथ ऐसे कर रहा है
पीनम मोटे तगड़े खा पी करके हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, इसीलिए भैंस बन गया शरीर से केवल, बुद्धि कुछ नहीं। हाँ राजा के लिए। और ऐसा हालत है स्वामिनी अगम्य दासान, जो इसलिए बलि भुजा में दृष्टान दिया, जैसे जो कौवा कुत्ता आदि स्वामी को यदि काट देते हैं कभी कभी, वैसे लगता है जो है ये दासों का अपने स्वामी के प्रति जो अघ किया, दुख दुख दे रहा है, गलत कर रहा व्यवहार, वह उचित नहीं है। द्वारपानाम सुनाम, द्वारपानाम सुना, द्वार पालन करने के लिए बैठा है कुत्तों के समान, हमारी रक्षा के लिए बैठा हुआ व्यक्ति को वो खुद ही हमारे गर्दन में सांप डाल रहा है, उल्टा कर रहा है। ओ